नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का जो साइंस पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम लोग उसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेक, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टोमेक, ठीक है। कि हम लोग पढ़े थे कि माउथ से, है ना, यानी कि बकल कैविटी से फूड जो है वो कैसे ऑसोफेगस से होते हुए कहां पे अगला स्टेज उसका क्या है? स्टोमेक, यानी सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन किए फूड को, है ना, और वहां पे माउथ में बकल कैविटी में उसमें च्यू किए, च्यू करने के बाद उसमें सलाइवा मिला, है ना, और वो पेस्ट जैसा फूड हमारा कन्वर्ट हो गया। और वहां से ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए वो कहां पर आ रहा हमारा अगला स्टॉपेज? स्टोमिक में। मैंने बताया था कि आपका ऑसोफेगस का लेंथ जो है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आगे का स्टेजेज में क्या क्या होता है, इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए देख रहे हैं हमारा क्या है स्टोमिक। स्टोमिक क्या है? इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि हमारा जो स्टोमिक है वो कैसा होता है? थिक मतलब मोटा, ठीक है। वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब इसका स्टोमेक का जो वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, पतला नहीं होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आपको ये है ना, ये क्या है आपका? स्टोमेक है। और ये लग रहा है ना कि एक फैला जैसा, बैग के जैसा, ठीक है। इट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि ये जो स्टोमेक का ये पार्ट है ना, स्टोमिक का ये पार्ट जो है वो किससे कनेक्टेड है? ऑसोफेगस से। यानी फूड का एंट्री स्टोमिक में कहां से हो रहा है? इस वे से, है ना, इस तरह से वो इंटर कर रहा है, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द अदर ओपनिंग। यहां से फूड अंदर आएगा, ठीक है। यहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, यानी बहुत सारे यहां पर चीजें होंगी, और यहां से फिर ये कनेक्टेड हो जाएगा किस चीज से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक प्रोड्यूसेस म्यूकस। ये देखिए, ये इनर वॉल्स का पिक्चर है ना। ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये कौन सा है? ये स्टोमिक का कट शेप है। ये तो आउटर वॉल हो गया, और ये वाला जो वॉल है वो क्या है? इनर वॉल है। यहां से क्या क्या निकल रहा है? तो म्यूकस निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहा है, जो फूड को और सिंपलर फॉर्म में क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी फूड को और वो तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और म्यूकस का काम क्या है? कि स्टोमिक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करना? बचाना, क्योंकि वो तो क्या है? एसिड है। एसिड से स्टोमिक को भी नुकसान हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो काम कर रहा है। पहला कि वो तो फूड को गलाएगा, है ना, एसिड है, एसिड क्या करेगा? गलाने का काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये भी काम है कि जो हम फूड खाएं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई जर्म्स रहे, हो सकता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो उस हार्मफुल चीजों को वो क्या करेगा? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो मार देगा, क्योंकि हार्ड होता है ना एसिड, तो वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को फर्दर नुकसान पहुंचा सकता है उसको वो स्टोमिक में ही क्या कर देता है? मार देता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोमिक में होना हम लोगों के लिए क्या है? अच्छा है, ठीक है। दो काम है, पहला फूड को गलाना, ठीक है, दूसरा काम क्या है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं ना, उन सबको वो मारने का काम करेगा, ठीक है। फूड इज अ चून इनटू सेमी सॉलिड मास। फूड यहाँ पे कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड, है ना, ना लिक्विड रह पाता है और ना वो सॉलिड पूरी तरह से रह गया, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है और ना वो पूरी तरह से सॉलिड। कभी कभी वॉमिटिंग वगैरह तुम लोग ने किया है, वॉमिटिंग करते तो कैसा चीज निकलता है? देखा ही होगा, है ना, ना वो सॉलिड है ना वो पूरी तरह से लिक्विड है, ठीक है। मास इन द स्टोमिक, एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस डिसइंटीग्रेट द फूड। कह रहा है कि एंजाइम्स जो होते हैं कहां पर? प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस, वो फूड को और डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना, ठीक है, इंटीग्रेट मतलब बड़ा करना, और डिसइंटीग्रेट मतलब उसको अलग अलग करना, कि यानी कि और तोड़ने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया।
अभी तो बता रहे थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर चलो अगले स्लाइड में देखें, आइए अब हमारा क्या है, अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्या है, अ स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड वहां से कहां अगले स्टेप में पहुंचा, अ स्मॉल इंटेस्टाइन। बार बार रिपीट करा रहे हैं, बकल कैविटी टू ओसोफेगस, ओसोफेगस टू स्टोमेक, और स्टोमेक के बाद वो कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। दिस इज अ हाईली क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ 7.5 मीटर इन लेंथ। ये जो क्वाइल क्वाइल्ड लपेटाया हुआ जैसा हम लोग देखते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो कितना उसका लेंथ जो है वो कितना है, 7.5, ठीक है, 7.5 मीटर। इट रिसीव द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लीवर से कौन सा जूस निकलता है, तो बाइल जूस, ठीक है। लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस, ठीक है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये सभी जो है, चाहे वो बाइल जूस है चाहे वो तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब जो है वो सपोर्ट करता है किस चीज को, फूड का डाइजेशन में, फूड का डाइजेशन। जिस समय हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पहला वीडियो बना रहे थे, शायद उसी में बताए थे कि पैनक्रियाज है चाहे लीवर है, ये सब भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सपोर्टिव ऑर्गन्स है ना। वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली फूड का डाइजेशन में रोल प्ले करता है, क्या करके, तो बाइल जूस का सीक्रेशन करके और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करके। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ दिस इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। मैंने एक पिछले वीडियो में भी शायद दिखाया था कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो इनर वॉल, हम लोग जैसे घर पे पाइप फूल रहता है, घर पे हम लोग देखते हैं ना, वाटर कोई जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप यूज करते हैं प्लास्टिक वाला, तो उसका दोनों वॉल, आउटर वॉल और इनर वॉल, बिल्कुल कैसा होता है, चिकना होता है ना। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन भी वो वैसा ही पाइप के जैसा है, उसका आउटर वॉल तो बिल्कुल कैसा है, चिकना है, लेकिन इनर वॉल में ना फिंगर जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बताते हैं, विली। ये ठीक है, यही जो आप देख पा रहे हो ना कि फिंगर जैसा कुछ कुछ निकला हुआ है, ये आपका क्या है, विली। फूड का जब डाइजेशन हो जाता है तो एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली, यही करता है। और ये विली उस चीज को लेकर किसको दे देता है, तो ब्लड को, है ना, ब्लड को दे दिया, और ब्लड जो है वो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से वो पूरे बॉडी में वो डाइजेस्टेड फूड क्या करने लगता है, सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है। द इनर वॉल्स, ये तो हो गया आपका, द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विली, ये हो गया। विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली जो है ना वो अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे उसको पता चलता है ना कि फूड का डाइजेशन हो गया, तो वो अपना शेप को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है, अपने सरफेस एरिया को फैलाने लगता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड को वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, है ना। और जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, बिल्कुल किस तरह, टच मी नॉट प्लांट की तरह, समझ गया ना, कि जब हम उसको टच कर देते तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, लेकिन जैसे वो कुछ देर के बाद वो फिर बिल्कुल एक्सपेंड हो जाता है। तो वैसे ही विली वैसे ही करता है कि जैसे उसे एहसास होता है कि फूड का डाइजेशन हो गया, अब मेरे को ड्यूटी में लगना है, तो वो अपने साइज को रिसाइज कर लेता है ना, और वो फूड को इंटेक कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड को। ईच विलस हैज अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी तो मैंने बताया कि विली जो है वो कनेक्टेड होते किस चीज से, ब्लड वेसल से, है ना, ब्लड वेसल से। विली अपने पास लेके नहीं रखता है, विली एक माध्यम है, विली क्या है, एक माध्यम है, वो फूड, डाइजेस्टेड फूड को वो ले लिया
और वो सारी चीजों को लेकर वो किसको दे दिया, ब्लड को, बस उसका इतना ही काम है। और बाकी फिर वो ब्लड जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम का हेल्प से, कैपिलरीज, वीन, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया गया ना, उसके माध्यम से वो पूरा सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। एब्जॉर्ब फूड बाय विली इज ट्रांसफर टू द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। तो आज का इस क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या देखें, स्टोमेक। आई होप आपको समझ में